नमस्कार, मैं मृदुल बरा, आपनालोके चाय आछे टाइमलाइन अहोम। बर्तमान देशत सबातुकै लाभजनक बिनियोग व्यवसाय कि शुनि आचरित नहब। बर्तमान देशत राजनीतिये सबातुकै लाभजनक बिनियोग व्यवसाय। शेहतियाभावे बिहारर विधानसभार प्रथम पर्यायर भोटग्रहणेरे निर्वाचनी प्रक्रिया शेष हो जाए। प्रथम पर्यायत अवतीर्ण हुआ 166 प्रार्थीर भितरत 375 अर्थात 35% कोटिपति बुली प्रमाणित हुई। इयार एजन प्रार्थीर गड़ सम्पत्तिर परिमाण 2 कोटि टका। साबलै गले ब्रिटेनर प्रधानमंत्री बोरिस जनसने एबछरत मात्र 1,44,00,000 टका दरमहा हिसाबे लाभ करे। दरासलते भारतत राजनीतिर सबातुकै लाभजनक बिनियोग आरु व्यवसाय रूपे परिगणित हो आहिछे। राजनीतित जड़ित हो पड़ार लगे लगे नेतार सम्पत्ति मात्र 5 बछरते अभावनीय भावे बृद्धि पाए। विगत बर्षर द्वितीय बारलै लोकसभा निर्वाचन अवतीर्ण हुआ बिजेपिर 170 सांसदर सम्पत्तिर परिमाण 13-17 कोटि टकालै बृद्धि पाइछे। अकल एयाइ नहय, शिरोमणि अकाली दलर दुजन नेतार सम्पत्तिर परिमाण 5 बछरत 115 कोटि टकालै बृद्धि पाइछे। सेइदरे NCPR 4 जन सांसदर सम्पत्ति 102 कोटि टका। कांग्रेसर 38 सांसदर सम्पत्ति गड़े 60 कोटि टकालै बृद्धि पाए। राज्यसभार 203 अर्थात 89% सांसद कोटिपति। राज्यसभार 1 जन सांसदर गड़ सम्पत्तिर परिमाण 67 कोटि टका। सेइदरे लोकसभार 475 अर्थात 88% सांसद कोटिपति। जदि देशर एजन साधारण नागरिकर हातलै इमान सम्पत्ति आहे तेन्ते आयकर विभागे लगे लगे तदन्तत नामी जाए। किन्तु हात हारी जाए राजनीतिक सकल। तात्पर्यपूर्ण जे दुर्नीतिर सूचांकत भारतर स्थान विश्वर भितरत 80 नम्बरत। ये प्रमाण हय राजनीतिक भावे प्रतिपत्तिशील लोकसकले दुर्नीतिक प्रश्रय दि आहिछे। आनहते एइखन देशते एकांश प्रवीण राजनीतिके राजनीतिक सेवार मनोभावेरे ग्रहण करि राजनीतिक विश्वर दरबारत महियान करि थै गैछे। भारतर द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जीगराकी व्यक्तिर अवसर ग्रहणर पिछत व्यक्तिगत सम्पत्तिर तालिकात माथो आसिल एखन पुराना फिएट कार, माटिर नामत आसिल शून्य। APJ আব্দুল কালাম ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি যাৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত নিজৰ বুলিবলৈ ৰৈছিল সাধাৰণ সৰু সুটকেছটোত দুযোৰমান কাপোৰ আৰু কেইখনমান কিতাপ। হৰতচন্দ্ৰ সিংহ অসমৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰ ত্যাগ আৰু সহজ সৰল জীৱনে আচৰিত কৰি তুলিছিল জনসাধাৰণক। সম্পত্তিৰ তালিকাত একোৱেই নাই, মাথো তেওঁৰ আদৰ্শই আছিল মূল সম্পদ। মানিক চৰকাৰ ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰ তেওঁৰ ত্যাগ আৰু সততাই তেওঁৰ ব্যক্তিত্বক মানিকৰ দৰে উজ্বলাই ৰাখিব। এয়াই হ'ল প্ৰবীণ ৰাজনীতি আৰু নবীন ৰাজনীতিৰ পাৰ্থক্য। আপোনালোকে চাই আছে টাইমলাইন অসম। ধন্যবাদ।